तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल। और जो लोग जयपुर में रियल पुराने हैं और काफी टाइम से रह रहे हैं, वो जानते हैं इस टेम्पल की मान्यता। हे फ्रेंड्स, और आज वेलकम की जगह राधे राधे, क्योंकि आज का दिन होने वाला है गोविंद देव जी के नाम, जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके नाम। और आज का दिन को आप टेंपल डे या मंदिर दिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम दो मंदिर कवर करने वाले हैं। पहला है श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि बड़ी चौपड़ के पास जलेबी चौक पर है, और ये पुराना राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इसकी। और दूसरा है स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि वैशाली नगर में है, और ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुआ है, तो हमने देखा नहीं है, तो आज इसका भी रिव्यू करेंगे कि कैसा है वो टेम्पल। और अगर आपने मेरा जयपुर ट्रिप के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं, तो आई बटन में आप ध्यान दीजिए, वन बाई वन सारे वीडियो के लिंक देता जाऊँगा। और इन वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स कवर की है, आप आराम से इन वीडियो को देखें, इनका आनंद लें। और अगर आप जयपुर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो दूर से ही देखें, लेकिन ज़रूर देखें, क्योंकि जयपुर देखने की चीज़ है, बार बार देखने की चीज़ है। फ्रेंड्स, जयपुर ट्रिप के अलावा मैंने मथुरा का भी एक ट्रिप किया था, और वहाँ पे भी प्रेम मंदिर है, जो श्री कृष्ण का मंदिर है, सब ये श्री कृष्ण प्रेम के एक तरह से भगवान माने जाते हैं, उनकी 30,000 रानियाँ थी। तो वो प्रेम मंदिर का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा आई बटन में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा वीडियो है। और उसमें भी मैंने काफ़ी सारे मंदिर जो मथुरा के हैं, वृंदावन के हैं, कवर किए हैं, तो आप उनका भी आनंद उठा सकते हैं और घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं प्रेम मंदिर के, श्री कृष्ण भगवान के। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं गोविंद देव जी टेम्पल। और जो लोग जयपुर में रियल पुराने हैं और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, वो जानते हैं इस टेम्पल की मान्यता। वैसे तो जयपुर में काफ़ी नए टेम्पल भी बन चुके हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल, अक्षरधाम, और काफ़ी बड़े भी हैं, लेकिन ये मंदिर काफ़ी पुराना है और ये राजा महाराजाओं के ज़माने का है, और इसमें अभी भी उनका ही राज चलता है। उसी के टाइमिंग के हिसाब से ये दिन में मॉर्निंग में ओपन होता है और इवनिंग में और आफ्टरनून में क्लोज रहता है। तो चलिए देखते हैं अंदर से इस टेम्पल को। फ्रेंड्स, ये वाला जो रास्ता है,
ये उनके लिए जो सूझबूझ पहन के जाते हैं, और ये वाला जो रास्ता है इसमें आप सॉक्स और बिना जूतों के जा सकते हैं। और ये सीधे एंट्री है, मंदिर के अंदर है, ये अंदर है और वो बाहर से है। और यहाँ पे देखिए ये अंदर जाएगी मंदिर के, और वो लोग जो बाहर से बिना किसी को ऑफिस जाना है और जो बाहर से दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो रेगुलर जाते हैं। ये पुराने मंदिरों में से है राजा महाराजाओं के, तो बहुत सारे लोग रेगुलर जाते हैं, तो उनके लिए है ये मंदिर। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है, कभी आप यहाँ पे जन्माष्टमी के दिनों में आइएगा, आपको यहाँ पे खड़े रहने जगह भी नहीं मिलेगी। देखिए भजन कीर्तन चल रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, देखते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं गोविंद देव जी का क्राउड और वहाँ का जो माहौल है, ये कोविड का टाइम पे है। और वैसे आप सोच सकते हैं अगर कोविड नहीं है, नॉर्मल अगर डे है तो कितना क्राउड रहेगा, आपको जगह नहीं मिलेगी। और मन इतना भक्तिमय हो जाता है, इतना हैप्पीनेस पीस शांति मिलती है जब इस तरह के प्लेसेस पे आप जाते हो, और ख़ासकर इस प्लेसेस पे सुबह सुबह जाना वो भी नहा के, तो फिर आनंद ही अलग। गोविंद देव जी के दर्शन के बाद हम चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और अगर आप देख पा रहे होंगे एक सामने आपको एक बिल्डिंग, एक तरह से महल टाइप से एक दिखाई दे रहा है, यहाँ से राजा महाराजा शाही परिवार जब उनको दर्शन करने होते हैं गोविंद देव जी के, तो यहाँ से बैठ के वो आरती देखते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं फाइनली वैशाली नगर स्वामीनारायण टेम्पल, और हम यहाँ पर 2 बजे आ गए थे। और ये टेम्पल का टाइमिंग देख लीजिए, उल्टा दिख रहा है ना, सीधा करके डाल दूँगा, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। हम लोग सोच रहे थे आराम से 1 बजे आए, धूप निकली है और हमको 4 बजे तक का वेट करना पड़ गया, लेकिन उसका लिए हमने कोई सॉल्यूशन ढूंढा। ये आपके लिए शॉपिंग के लिए, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसका हमने 2 जैकेटें ली है, उसका रिव्यू बाद में। चलिए अंदर देखते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और 7 बजे जयपुर बंद।
फ्रेंड्स हमने बहुत सारे स्वामी नारायण के टेम्पल अक्षरधाम बोलते हैं इनको देखे हैं, जैसे अहमदाबाद के पास गांधीनगर में और नोएडा का है, दिल्ली का बोलते हैं जिसको, उन सब में किसी में भी अंदर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। बट ये जो है जयपुर का बड़ा ही प्यारा और इसमें अलाउ है, तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ है जिससे अंदर का ब्यूटी सबको दिख सके। और सारे मंदिर ही अच्छे हैं। बाकी यहाँ पे इवनिंग शो पहले होता था, अभी हम देखेंगे क्या होता है कि नहीं, आपको बताएंगे इन्फॉर्मेशन वीडियो में। और चलिए अंदर से देखते हैं कैसा है ये टेम्पल अक्षरधाम। फ्रेंड्स ये मंदिर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी क्लीन है और अच्छे से वेल मेंटेन किया है। स्वामी नारायण के जितने भी मंदिर हैं उनमें आपको सफाई तो ज़रूर देखने मिलेगी। और इस तरह की प्यारी चीज़ें जैसे पानी का आपने देखा था, ये फाउंटेन जिसको बोल सकते हैं, और जो गार्डन है जिसमें स्वास्तिक बनाया है, ये इतना मन को शांति देती हैं इस तरह की चीज़ें। वरना स्वास्तिक तो नॉर्मल भी रहता है, लेकिन गार्डन में घास से बनाना, ग्रीनरी से, कितना सुंदर लगता है। और यही है इसकी खासियत। और जब आप जाएंगे तो इसी शांति के लिए लोग मंदिर जाते हैं, इसी एंजॉय के लिए, उसी पीस के लिए। आप ज़रूर जाएं, वैशाली नगर में है ये, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। और आप देखिए इसका लुक सेम अहमदाबाद में अक्षरधाम जैसे है, तो ये वही पिलर है सेम उसी तरह के, काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलिए देखते हैं अंदर से। ये देखिए प्यारा मूर्ति है, देखिए। फ्रेंड्स इस मंदिर में तीन छोटे छोटे टेम्पल हैं और उनमें तीन तरह की प्रतिमाएं रखी गई हैं। पहले वाला है उसमें राम सीता और लक्ष्मण जी, जो आज तक आप देख रहे हैं पिक्चर में, और ये ब्लू ड्रेसअप इनको किया गया है बहुत ही प्यारे तरीके से। और ऊपर इस तरह का झूमर है जिसमें लाइटिंग होती है बहुत प्यारी, और सराउंडिंग में इस तरह के पिलर हैं और चित्रकारी बनी हुई है। ये चारों भगवान की मूर्तियाँ हैं पिलरों पे, और बहुत ही अच्छे से इसको सजाया गया है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं राधा कृष्ण की, ये भी बहुत अच्छी प्रतिमा है। और तीसरा एक और भगवान है उनकी है, तो देखने में बहुत ही अच्छी प्रतिमाएँ रखी गई हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। देख सकते हैं गोल्डन वर्क है ऊपर मंदिर में, इस तरह से लगता है जिस तरह से कोई शाही परिवार, और शाही मतलब एक लुक आता है बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से।
हॉस्पिटल में। फ्रेंड्स, फोटो शूटिंग के लिए ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है, और कितना ग्रीनरी है, और स्वामीनारायण के हर मंदिर में आपको इस तरह से साफ सफाई एकदम ग्रीनरी देखने मिलेगा। यहाँ पे गंदगी का कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझे सारे स्वामीनारायण टेम्पल नो डाउटली अच्छे लगते हैं। देखिए आप कितना ग्रीनरी है, आराम से बैठिए आप, आपको बहुत पीस मिलेगा, मज़ा आएगा, रिलैक्स मिलेगा। आइए, एक चीज़ और है फ्रेंड्स, ये टेम्पल है ना, ये कुछ ऐसे आउटसाइड में ओपन नहीं है, ये एकदम रिच मार्केट में है, और यहाँ पे आप देखिए ये मकान भी बने हुए हैं बिल्कुल ऐसे बाउंड्री से लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कंजेस्टेड है थोड़ा, और स्मॉल भी है, बाकी सारे स्वामीनारायण टेम्पल हैं, और इसमें कुछ कैंटीन वगैरह भी नहीं है जो बहुत बड़े रहते हैं, बाकी दिल्ली में है, अक्षरधाम में, नोएडा में, लेकिन फिर भी अच्छा है, सिटी में है तो अच्छा है, काफ़ी सेफ है, ये भी आप बोल सकते हैं, इजीली रीचेबल है। और आइए आप देखिए और बताइए हमारे वीडियो पर कैसा लगा आपको ये जयपुर ट्रिप का वीडियो, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद इवनिंग में नाइट हो चुकी थी, और हम निकल लिए बैक टू अवर होटल, और ये है जयपुर का नाइट लुक, ये है मैडम और मैं और हमारी स्कूटी और हमारी पारी हो रही है, पारी, और इसी को बोलते हैं असली पार्टी, नए नए प्लेसों को विजिटिंग करना, घूमना। और जयपुर का पिंक सिटी आपको नाइट में कैसा लगा, ये व्यू पूरा मैंने आपके लिए ही कैप्चर किया है, बताइए। और आप जब जयपुर जाएंगे तो आपने क्या क्या फ़न किया, क्या क्या मस्ती की, ये मेरे साथ शेयर करिए इन कमेंट्स, और कुछ अगर आपको और चीज़ रिव्यू करवानी है, कुछ और प्लेस, तो मुझे ज़रूर बताइए। जयपुर का ब्यूटी रियली नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खासकर बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, बापू बाज़ार, और ये इनके मेन मार्केट है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, स्पेशली फॉर लेडीज़ एंड वुमन्स। और जैसा मैंने आपको बताया एल्बर्ट हॉल का, नाइट में एल्बर्ट हॉल का स्पेशली लाइटिंग रहता है, और जब आप जाएं तो देखें, हमारे टाइम पे कोविड की वजह से 7 बजे मार्केट क्लोज था, लेकिन अभी वो रिस्ट्रिक्शन हट गया है, तो आप जब भी जाएं नाइट में सिटी पैलेस और एल्बर्ट हॉल का नाइट व्यू जरूर देखें। और ये है बड़ी चौपड़, और बड़ी चौपड़ बहुत ही शानदार दिखती है, और अभी यहाँ पर मेट्रो वगैरह भी आने वाली है, तो वो भी काम चल रहा है, देखते हैं फ्यूचर में मेट्रो आएगी तो काफ़ी ईजी रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें जैसे सिटी पैलेस है, हवा महल है, और टिल देन बाय। आज की वीडियो में इतना ही, और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कैसा लगा आपको मेरा दो मंदिर का रिव्यू, गोविंद देव जी और स्वामीनारायण टेम्पल, और कैसा लगा नाइट व्यू आपको, और आप जब जयपुर गए या जयपुर जाएंगे, जब आपको प्लान हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के मुझसे आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो, टाइमिंग वगैरह एनीथिंग, आई विल हेल्प यू आउट। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाय बाय।